हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, आपको ये बोर्ड देख के पता चल गया होगा हम अभी कहां खड़े हैं। कर्नाटका के हुबली में हम खड़े हैं और खड़े हैं वर्ल्ड के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म पे। आपने हाल ही में सुना होगा, इससे पहले कुछ दिन पहले, मैं कहता हूँ एक साल भी नहीं हुआ है, 6 महीने पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का इसको दर्जा दिया गया है और ये इसकी लेंथ जो है 1507 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हो। मैं आपको इसका एक राइड देने वाला हूँ, मतलब इस पर चल के अभी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे और आपको दिखाऊंगा रास्ते में क्या सब मिलता है और कितने मीटर पे। हमको लगता है 15-17 मिनट लगेंगे कम से कम इसको यहाँ से उस तरफ जाने में। तो चलिए हमारे साथ, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो देखिए, आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, ये देखिए 1507 एकदम लास्ट है, यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी सुबह का टाइम है और अभी हम चलना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए 1500 मीटर। और अभी आपको बता दूँ, लोग पूछते हैं जो इतना लंबा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत क्या थी। इसकी जो लागत थी करीब 20 करोड़ रुपये लगे थे इसको बनाने में, और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हुबली शहर जो है, अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो इसके आजू बाजू में जगह ही नहीं है। जो रेलवे का होता है ना ज़मीन, उसको ऑक्यूपाई करके उसको बहुत सारे रेसिडेंशियल इलाका इसको तोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए साइड में ना बढ़ा के रेलवे ने दिमाग लगाया कि इसी को लंबा कर देते हैं। इसके बाजू वाली जो है प्लेटफॉर्म उसको भी लंबा किया जा रहा है, ऑलमोस्ट हो गया। वो भी सुबह के टाइम देखो कितना अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म, एकदम कोई लोग नहीं है इस पर। दिन के टाइम में यही लोग भरे रहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पहुँचे हैं और अभी हम पहुँचे हैं 1350, मतलब उल्टा अभी हम चल रहा हूँ। करीब 150 मीटर हम अभी कवर किए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 7 उस साइड, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 8। सुबह के टाइम भी देख लो आप, 5:33। तो अभी करीब हम 300 मीटर का डिस्टेंस कवर किए हैं, 3-4 मिनट ही हुआ है। तो अच्छा लग रहा है, सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और हम इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे अभी बेंगलोर जोधपुर वाली ट्रेन आ गई है और इस पे चलने का एक एक्सपीरियंस लेना था मुझे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जो यहाँ पे आऊँगा और इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को चल के पार करूँगा। तो अभी हम लोग उधर से चल के आए थे और अभी वापस जा रहे हैं इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है। कितना मिनट लगेगा, मुझे लगता है और 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, 10-15 मिनट। आपको अगर पता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा, तीसरे नंबर पे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। दूसरा तो आपको पता होगा, तीसरा नंबर बताइएगा कमेंट करके। देखिए यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया, अभी फिर भी बहुत सारे WDP-40 के लोकोमोटिव से संटिंग वगैरह होता है, संटिंग का अलग रहता है। ये देखिए इसको संट किया जा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं संटिंग हो रही है, इसको यहाँ लेके जाएंगे और उस वाली में वॉशिंग पिट है उस साइड, उधर जोड़ेंगे। ये देखिए पीछे एक लोग भी हैं, संटमैन। देखो आपको जो बता रहा था, अगर एक ट्रेन आई इस प्लेटफॉर्म पे तो इधर से आएगी और इसको अगर निकलना हुआ तो ये देखिए, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया है ट्रेन की जो ट्रैक होती है वो कैसे चेंज होती है। वो देखो इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, उसको स्विच करेंगे और ये साइड से निकल जाएगी, ये वाली लाइन से होते हुए दूसरे ट्रैक पर चली जाएगी। ये देखिए यहीं से चेंज होगा और आगे की ओर चली जाएगी। तो ऐसी बीच बीच में दो डाइवर्ट करने के लिए ट्रैक को लगा देते हैं ताकि कोई ट्रेन अगर ऑक्यूपाइड है तो आराम से दूसरी वाली ट्रेन निकल सकती है। और यहाँ पे देखो बीच में जो है ओपन दिया हुआ है, अगर बारिश वगैरह होती है तो थोड़ी तकलीफ हो जाएगी लोगों को, उनको वो जो ऊपर कवर वाला है प्लेटफॉर्म उसके ऊपर जाना पड़ेगा। और आपको जैसे बता रहा था, अभी मानो वो पीछे वाला जो है ट्रैक ऑक्यूपाइड है तो उधर से एक ट्रेन आएगी, ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं इससे आएगी और यहाँ से देखिए इसको कट कर दिया गया, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें घुस के सीधा अभी जैसे ट्रेन लगी हुई है उस पर चली जाएगी। अभी देखो यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है नॉर्मल प्लेटफॉर्म, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आप उधर से जब आते हो तो ये 700 मीटर का बोर्ड देखो यहाँ मिल रहा है आपको। तो हमने अभी तक 807 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, सिर्फ 700 मीटर बचे हुए हैं। यहाँ पे एक ट्रेन भी लगी हुई है, देखो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर क्रॉस कर गए हैं, सिर्फ 400 मीटर या 500 मीटर के करीब में बचा हुआ है और थकान सी हो गई है, मतलब मज़ा आ गया। लेकिन हवा चल रही थी लेकिन मज़ा आ गया इसमें चलने का, अलग एक्सपीरियंस है। हुबली वर्ल्ड का सबसे
लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म एट 6 आवर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 5। क्या बनाया है इसको, 20 करोड़ लगे हैं इसको बनाने में। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और ऐसा कुछ सजाया गया है यहाँ पे और वंदे भारत के आने की तैयारी में स्टेज वगैरह सज के तैयार हो गया है। रात में ही हो गया था, अभी इसका फिनिशिंग टच दिया जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा दिख रहा है आज के दिन, ये स्टेज रेडी है। यहाँ पे मेरे को लगता है मिनिस्टर सांसद वगैरह रहेंगे और अपनी राइड जो भी है वो भी 200 मीटर की बस बची हुई है। ये देखिए शानदार लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ का प्लेटफॉर्म, चलने में मज़ा आ गया मेरे को तो। हम पहुँच गए हैं, पहुँचने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी आपको दिख जाएगा, यू आर एट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली, और ऐसा कुछ दिख रहा है अपना ये हुबली का प्लेटफॉर्म। शानदार एक्सपीरियंस, और अब आ ही गए हैं तो इसको एंड करके ही जाएंगे। बस देखो यहाँ पे थोड़ी अभी काम वगैरह चल रहा है मेरे ख्याल से, इधर पे इस साइड जो है कुछ काम चल रहा है और हम पहुँच गए हैं। तो हम पहुँच गए यहाँ पे पूरा कंप्लीट, अपने वॉक करके करीब मुझे लगता है 15 से 20 मिनट लगे होंगे, लेकिन शानदार एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। अब आप कमेंट करके हमको बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और ये स्टेशन जो है ना हुबली बहुत शानदार है, इसलिए मैं थोड़ा पहले आ गया था, थोड़ा मौका मिले और आपको दिखा दूँ। जो भी आप देखेंगे यहाँ पे मस्त सारी, इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। वहाँ पे कर्नाटका स्टेट को दिखाया गया है, उसके जो मोनोमेंट है उसको वहाँ पे ड्राइंग अच्छे से बनाया गया है, इतना शानदार दिख रहा है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।